तो भाई मेरे पीछे देखो मगरमच्छ, एक से एक डिफरेंट टाइप्स की चिड़िया है। ये देखो गाइस, हिरन दिख गया, एक इधर बैठा है। अरे भाई छुप मत यार, बस रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूँ। तो अब हम जा रहे हैं सांप देखने, और ये देखो वाओ, अब जा रहे हैं एक्वाटिक वर्ल्ड। ये देखो देखो हाँ, ये रहा कैक्टस, और ये भी जानबूझ के स्टैचू बना हुआ है। हे गाइस, तो फाइनली वेलकम बैक हो गया मेरी न्यू वीडियो में, और आज हम जाने वाले हैं देहरादून ज़ू, जिसका नाम है मालसी डेयर पार्क। वो मसूरी रोड में पड़ता है। तो आज हम जाने वाले हैं उस ज़ू को विजिट करने के लिए। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसे रहता है। और मैं जाने वाला हूँ अपनी स्कूटी पे, ये भी रेडी है। तो गाइस पहुंच चुका है मालसी डेयर पार्क, और यहाँ पे पार्किंग में फिलहाल हम खड़े हो रखे हैं, और यह है पर्ची 10 रुपए की। तो ये रही गाइस एंट्रेंस, और हम फाइनली एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस एंट्री ले ली है, ये रही। तो एंट्री टिकट ये रही, और ये हमें पड़ी है 180 की। तो इसमें 3D मूवी नहीं है, वो आज बंद है, पता नहीं कैसे। तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो हम सबसे पहले चिड़ियाएँ देखने जा रहे हैं, एक से एक डिफरेंट टाइप्स की चिड़ियाएँ, और इसका नाम पता नहीं अनाउंस भी किया गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा नाम, पढ़ लेना आप, और ये रहा वो। तो ये दिखा है कुछ, ये देखो कैसे घूम रहा है, एक इधर बैठा है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बट आगे देखते हैं। इस तरफ तो है नहीं, अब उस तरफ जाके देखते हैं। तो ये रहे इनकी डिटेल, और नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं हुए जा रहे, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बेइज्जती नहीं करानी। और ये रहे पैरट, तोते जैसे कुछ है, देखो वाओ वाओ। यहाँ पे तो छोटे छोटे कुछ बर्ड्स हैं, इनकी डिटेल्स देखते हैं। ये रही डिटेल, और ये रहा नाम, प्रोनाउंस कर लेना आप लोग। और ये रहे छोटी छोटी चिड़ियाएँ, वाओ। कुछ मस्त सा नहीं दिख रहा यार, मैं कुछ चाह रहा हूँ कुछ बड़ा सा जाइंट सा दिख जाए, मस्त एकदम मज़ा आ जाए जिसे देख के। वो वैसा कुछ नहीं दिख रहा, छोटे मोटे जानवर दिख रहे हैं, मतलब चिड़िया बर्ड्स। रही डिटेल सिल्वर, और आगे आप प्रोनाउंस कर लेना। और ये रहा कुछ मस्त, ये दिखाना थोड़ा मस्त इंटरेस्टिंग सा। तो अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। गोल्डन फोल्डन ये देख लेना आप। और कहाँ है ये रहा, ये तो पता नहीं, मिट्टी में स्विमिंग कर रहा है, ये देखो। यार जाली है ना, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा है। तो पूरी कोशिश की जा रही है थंबनेल बनाने की, मतलब कि एक फ़ोटो थंबनेल के लिए। तो अब देखते हैं कैसी आएगी, हर जगह खींचूंगा फ़ोटो ही फ़ोटो। तो यहाँ पे अभी एक पिकॉक वाला सेक्शन था, तो वहाँ भी नहीं गए, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। और अभी भीड़ में रिकॉर्डिंग करने का मेरा कोई मन नहीं है, क्या मतलब मुझे शर्म आ रही है, वो पता नहीं। ये देखो गाइस, हिरन दिख गया, बट ये तो नकली है। तो अभी जा रहे हैं ऑस्ट्रिच देखने, इधर साइड है ऑस्ट्रिच। तो पास जाके और जूम करके दिखा देता हूँ एक बारी, काफ़ी बड़ा है। ये दिखाना कुछ मस्त सा। तो ये रहा ऑस्ट्रिच भाई, थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसे। ये दिखाना कुछ तड़कता भड़कता, वाह। ये इसकी डिटेल्स है, पढ़ लेना आप पॉज करके वीडियो। बाकी तो ये रहा ऑस्ट्रिच। मिली है कुछ मस्त है, ये तो काफ़ी पास है यार, इसके साथ फ़ोटो खींचनी चाहिए। तो ये है घड़ियाल, ठीक है। और अब ये पानी के अंदर मज़े ले रहा है, ये देखो। इस पे और जूम करूँ तो ये देखो, आपको दिख रहे होंगे, पानी के अंदर मज़े ले रहे हैं, मस्त। तो भाई मेरे पीछे देखो मगरमच्छ, ये देखो भाई, ये तो वाइड में कर रखा है। अब देखो एक ही है और एक ही है, थोड़ा और जूम करके दिखाऊं क्या मतलब मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, इसे 5x में करता हूँ, ये ज़्यादा ही हो गया, 5x। तो ये देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है, क्या मस्त। इंग्लिश में क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हिंदी में, और ये देखो वेरी वेरी नॉइस। तो देखो ये है, यहाँ अंदर रखे हुए हैं, ये देखो, अगर आपको दिख रहे होंगे, प्यारा सा है, क्यूट सा। ये देखो, और जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ यार। ये देखो दिख गया ना, बस बस यही है ना। अच्छा एक ये भी है, इधर भी हैं, ये देखो 3x zoom। रहा हिमालयन वल्चर और ये रहे साहब जी ऊपर, ये देखो इतना बड़ा है भाई जॉइंट। अरे भाई छुप मत यार, बस रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूँ। वो एक फ्रंट कैमरा से दिख ही नहीं रहा किधर है। हाँ ये रहा पीछे है जो हम देख रहे थे, बट इधर आ गया तो मैं थंबनेल के लिए फोटो ले लेता हूँ एक। तो अब हम जा रहे हैं सांप देखने, इधर पीछे सांप है। और अगर मैं बैक कैमरा करके दिखा दूँ, ये देखो ये पढ़ लेना ऊपर, ठीक है। मैं तो एंटर हो रहा हूँ यहाँ अंदर। सबसे पहले हमें ये दिखता है कुछ वाटरफॉल्स है, पानी बह रहा है भाई। तो ये रहा रॉक पाइथन। रॉक पाइथन मेरे को डर लगा नीचे से आ गया कहीं। तो ये होगा रॉक के पास। रॉक पाइथन तो दिख नहीं रहा था, तो अब ये देखो ये इसका नाम क्या है, ये कौन सा पाइथन है आप देख लो, डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी है पॉज करके। और ये देखो वाओ वेरी बिग पिक। और ये 60 FPS में शिफ्ट कैसे हुआ आई डोंट नो, बट ये देखो भाई उठा दो आप उसे। और एक सांप ये रहा, ठीक है आप नाम पढ़ लेना। और ये देखो वाह कितना भाई साहब, थोड़ी हलचल करके दिखा दो, नहीं टाइम नहीं है, कोई नहीं। वेरी नाइस। हाँ सो रखा है और उसका काम ही गया यहाँ पे बॉल पाइथन। और ये रहा भाई, इसको थोड़ा और पास जाके देखते हैं। ये देखो एक है वाइन स्नेक कहा, ये देखो ये दिख रहा हो आपको इंडियन रेड स्नेक। और ये रहा वाह एंड नाउ दिस इगुआना। और वो रहा फोन कर और तो अब जा रहे हैं एक्वाटिक वर्ल्ड। ये देखो यहाँ पे हमें दिखेंगी मछलियाँ। तो एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले हमें ये दिखा है, ये देखो बहुत ही बड़ा है। तो यार से एक मछली आई। तो शायद से लास्ट सेक्शन है, बस यहाँ भी है। बाकी ये एक्वेरियम होता है ख़त्म और अब शायद अच्छा एक्सपीरियंस था, एक से एक मछलियों को देख लिया, मज़ा आ गया। तो अब हम जा रहे हैं कैक्टस देखने। और थोड़ी आवाज़ मेरी डाउन है क्योंकि नाक बंद। हाँ ये रहा कैक्टस, फाइनली कैक्टस दिख चुके हैं। ये देखो कैक्टस, देखो आप लोग कैक्टस कैक्टस। तो कैक्टस तो हो गया ख़त्म और अब मैं कुछ इस जगह में आया हूँ। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। और यहाँ थंबनेल लेने का तो मुझे लग रहा है कुछ है फ़ायदा, थंबनेल आ जाएगा यहाँ पे बढ़िया सा। और कैक्टस वाला ना तो मैंने एक ही उसमें निपटा दिया फटाफट दिखा के, उस पर कुछ बोला नहीं मैंने। बाकी ये देखो यार ग्रीनरी तो है यहाँ पे काफ़ी मस्त। यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ पे हिरन दिख रहे हैं मम्मी को। और देखते हैं, उनको मेरे को भी दिख गए तो उनमें जूम मारता हूँ, आपको व्यू दिखाता हूँ। ये तो सांबर है, ये कौन सा सांबर है भाई, वो इटली के साथ जो मिलता है, जो भी आप डिटेल पढ़ लेना। अरे साउथ भी लिखा है यहाँ पे, मेरे को कहीं दिखाई दिया साउथ चाइना पता नहीं क्या। तो अब इन पर जूम मारते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये कोई जानबूझ के मूवमेंट नहीं कर रहा है, समझने आर्टिफिशियल कुछ है, इस पर प्राण है। और ये अभी जानबूझ के स्टैचू बना हुआ है। रुको मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ, आपको लग रहा होगा ये तो स्टैचू है, स्टैचू दिखा रहा है। तो यहाँ पे मिले, ये देखो झुंड है भाई, पूरा गैंग वैंग बना के घूम रहे हैं। ओ भाई साहब, तो यहाँ से अब सब बढ़िया दिखेगा व्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ जाली है ना, 10x जूम, और ये देखो आप, अब ये भी जम गया। हाँ ये देखो, हिला हिला हिला, ऐसा मत समझना है कि आर्टिफिशियल है, जिंदा है, जान प्राण है उसके अंदर। तो लाइन कहीं दिख नहीं रहा, मेरी बिरादरी के जानवर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। ओ शिट, ये क्या बोल गया मैंने। तो भाई साहब ये डियर ही थे, लायन वायन तो दिखे नहीं। और अब एक थंबनेल के लिए फ़ोटो चाहिए, तो वो उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, एक भी नहीं आई यार अभी तक। या तो ये होगा कि आग क्यों नहीं गई होगी, बट अभी देखने में वो फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही होगी मुझे। है उधर है ना फ़ोटोशूट का एक बढ़िया पॉइंट। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कह रहा हूँ अब, बट आप समझ जाओगे। तो फ़ोटो तो मैं खिंचाना चाह रहा था, बट वहाँ निब्बा निब्बी के बैठे रहने के कारण मैं फ़ोटो नहीं खिंचा पाया। तो घूम फिर लिया, मज़ा आ गया जानवरों को देख के। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.